हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो वी विल लर्न अबाउट लेरिंगोमलेशिया। लेरिंगोमलेशिया का दूसरा नाम कंजेनाइटल लेरिंजियल स्ट्राइडर भी है, क्योंकि क्या होता है कि एक तो ये कंडीशन कंजेनाइटल ही प्रेजेंट होती है एंड इसमें स्ट्राइडर भी देखने को मिलता है। स्ट्राइडर मतलब कि रेस्पिरेशन में नॉइस आए। नॉर्मली हम रेस्पिरेशन करते हैं इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन, उसमें नॉइस नहीं आती ना, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि रेस्पिरेशन में नॉइस आएगी। ये मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी है लेरिंग्स की। इट इज़ अ मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी ऑफ द लेरिंग्स। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके फीचर्स। तो फीचर में क्या है कि सबसे पहला है कि इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होगा कि सुपराग्लोटिक लेरिंजियल जो एरिया है ना, वो एक्सेसिव फ्लैसिड होगा। इसकी वजह से क्या होगा कि सुपराग्लोटिक एरिया जो एक्सेसिव फ्लैसिड है वो इंस्पिरेशन के टाइम पे लेरिंग्स के अंदर चला जाएगा। ठीक है, इसकी वजह से स्ट्राइडर प्रोड्यूस होगा, मतलब कि नॉइस आएगा। अभी मैं एक डायग्राम से आपको बताऊंगी कि क्या होगा कि सुपराग्लोटिक एरिया है ना, वो लेरिंग्स के अंदर चला जाएगा इंस्पिरेशन के टाइम पे। इसकी वजह से नॉइस आएगा। क्या होगा, नॉइस आया रेस्पिरेशन में, उसको क्या बोलते हैं, स्ट्राइडर। एंड साइनोसिस भी देखने को मिलेगा। साइनोसिस मतलब, साइनोसिस क्यों देखने को मिलेगा, साइनोसिस मतलब हमें पता है ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाएगा, क्योंकि जो एयर अंदर जानी चाहिए लेरिंग्स में वो नहीं जा पा रही है, सफिशियंट एयर नहीं जा पा रही है। क्यों, क्योंकि ये जो सुपराग्लोटिक टिश्यू है ना वो चली जाएगी अंदर, इसकी वजह से सफिशियंट एयर नहीं जा पाएगी। ठीक है, सेकेंड क्या है कि ये जो स्ट्राइडर है ना, वो क्राइंग के टाइम पे इंक्रीज़ होगा। वो जो अजीब सी आवाज़ें आ रही है उसके रेस्पिरेशन में, वो क्राइंग के टाइम पे इंक्रीज़ होगी। बट जब हम उसको प्रोन पोजीशन में रखेंगे, जब हम उस बच्चे को उल्टा लेटाएंगे, तो वो ठीक हो जाएगा, वो जो आवाज़ आ रही है वो नहीं आएगी। क्राई तो उसका नॉर्मल ही होगा। ये जो कंडीशन है वो मैनिफेस्ट कब करेंगी, बर्थ के टाइम पे या बर्थ के तुरंत बाद। एंड ये यूजुअली डिसअपियर हो जाती है टू इयर्स के अराउंड। फर्स्ट टू इयर्स के अंदर ये कंडीशन डिसअपियर हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि हम इसका एग्जामिनेशन कैसे करेंगे। तो एग्जामिनेशन करने के लिए हमें डायरेक्ट लेरिंगोस्कोपी करनी पड़ेगी। डायरेक्ट लेरिंगोस्कोपी में क्या देखने को मिलेगा हमें, तो कि ये जो एपिग्लोटिस होगा ना वो एलोंगेट हो गया होगा, एलोंगेटेड एपिग्लोटिस होगा एंड वो कर्व हो गया होगा। इस तरह से कर्व होगा। इसको ओमेगा शेप्ड एपिग्लोटिस भी बोलते हैं। एरी एपिग्लोटिक फोल्ड्स फ्लोपी और शॉर्ट हो गए एंड एरिटेनोइड कार्टिलेज जो है वो प्रोमिनेंट होगी। अब ये आप देखिए ना, तो ये लेरिंजियल इनलेट की बाउंड्री ही है। हमें पता है, जैसा कि हमें पता है कि लेरिंजियल इनलेट में आगे की साइड क्या होता है, एपिग्लोटिस होता है। दोनों साइड में क्या होता है, एरी एपिग्लोटिक फोल्ड्स होते हैं एंड पीछे की साइड क्या होता है, एरिटेनोइड कार्टिलेज होती है। ठीक है, तो आगे जो एपिग्लोटिस है, आगे एपिग्लोटिस होगा, पीछे क्या होगा, एरिटेनोइड कार्टिलेज होगी। एंड एरिटेनोइड एंड एपिग्लोटिस दोनों को कनेक्ट कौन करेगा, एरी एपिग्लोटिक फोल्ड्स। तो ये जो आगे वाला एपिग्लोटिस है वो एलोंगेट हो गया होगा, ओमेगा शेप का होगा। ये पीछे वाली जो एरिटेनोइड कार्टिलेज होगी वो प्रोमिनेंट हुई होगी एंड ये दोनों साइड में जो एरी एपिग्लोटिक फोल्ड्स हो गए वो शॉर्ट हो गए। ठीक है, ये लेरिंजियल इनलेट में ऊपर की साइड जो है वही है, उसमें क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं वो ये देखिए। ये लेरिंगोमलेशिया की डायग्राम हमारी बुक में दी हुई है। ये क्या है, ये एपिग्लोटिस है। दिख रहा है हमें कि ये एनलार्ज है, कर्व्ड है एंड ये ओमेगा शेप दिख रहा है हमें। तो ऐसी डायग्राम हमें बनानी है एग्जाम में और फिर लिखना है कि ये एनलार्ज कर्व्ड ओमेगा शेप्ड एपिग्लोटिस है जो लेरिंगोमलेशिया में देखने को मिलता है। डायग्नोसिस करने के लिए हम फ्लेक्सिबल लेरिंगोस्कोप को यूज़ कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इसको ट्रीट कैसे करना है। तो ट्रीट करने के लिए क्या करना है, मोस्टली इसकी ट्रीटमेंट कंजर्वेटिव ही होती है। जो जो सिम्टम हो उसके अकॉर्डिंग ट्रीट करना है। जनरली ये कंडीशन टू ईयर में ठीक हो जाती है, तो हमें उस पेरेंट्स को रीअश्योर करना है कि भाई टू ईयर्स के अंदर अंदर ठीक हो जाएगा। फिर अगर सीवियर रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है तो हमें ट्रेकियोस्टोमी भी करनी पड़ सकती है एंड बहुत ज़्यादा सीवियर केस हो गया है तो सुपरा ब्लेबोप्लास्टी भी करनी पड़ सकती है। बट ये दोनों रेयरली करने पड़ते हैं, मोस्टली कंजर्वेटिव ही होता है ट्रीटमेंट। ठीक है,
आई होप कि आपको लैरिंगोमलेशिया क्या है उसके बारे में आइडिया आ गया है। साथ साथ में हम ये भी देख ही लेते हैं कि डायग्राम कैसे बनाएंगे हम। तो सबसे पहले ऐसा कुछ राउंड जैसा बना देना है। डायग्राम बनाने के लिए ना थियोरी एग्ज़ाम में हमारे पास बहुत टाइम नहीं होता कि हम बहुत अच्छे से परफेक्ट डायग्राम बनाए, तो स्पीड स्पीड में एक आध मिनट में हाफ मिनट में बन जाए ऐसी डायग्राम बनानी होती है। तो सबसे पहले हम ऐसा राउंड बना देंगे, फिर इस टाइप का कुछ बना देना है राउंड, फिर ऐसे ऐसे बना देंगे दो। ये क्या दो बनाया हमने, तो कि ये जो एपिग्लोटिस है ना वो एलोंगेटेड ओमेगा शेप्ड एपिग्लोटिस, फिर ऐसे 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 कर देना थोड़ा थोड़ा, फिर ऐसे फिर ये तो मैंने रफली बनाया है, आप थोड़ा तो ठीक बना ही सकते हैं इससे तो अच्छा ही बनाएंगे आप। ठीक है, ऐसी कुछ डायग्राम बना के यहाँ पे आपको लिख देना है कि ये क्या है, ये एपिग्लोटिस है, ओमेगा शेप्ड है, एलोंगेटेड है, एनलार्ज है, कर्व्ड हो गया है। ठीक है, आई होप आपको आइडिया आ गया है कि लैरिंगोमलेशिया क्या है। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।